हेलो डियर स्टूडेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास इलेवन फिजिक्स जेई और नीट के लिए एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है काफी बाय अ रोप फ्रॉम सपोर्ट एट एस फिगर ये फिगर रोप इज टाइड एट द एंड बी एंड इट पुल्ड विद फोर्स एफ इफ द रोप ए बी मेक एन एंगल थीटा वर्टिकल इन इक्म इंपॉर्टेंट है इक्लिबेम में दैट सिस्टम पर कितना है जीरो है? ए भी. जानते जब भी कोई सिस्टम इक्लिबेम में हो तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन होते हैं नेट फोर्स जीरो होता है और उस सिस्टम उस पर उसका एफबीडी बना लेना चाहिए और जितने भी फोर्सेस हैं उन्हें दो परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट कंपोनेट कर लेना चाहिए फिर उन्हें बैलेंस कर देना चाहिए बस इतना सा कंसेप्ट होता है तो देखो इसमें टेंशन टी इधर आएगा इस पर एफ इधर और ये इसका वेट हो गया नीचे की तरफ एम जी अब इस वाले पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हैं तो कंपोनेंट कर लो तो क्योंकि इन सभी फोर्सेस को आपको पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है ही है आपको क्या करना है कंपोनेंट करके दो परपेंडिकुलर एक्सेस के अलांग लाना है जैसे एक्स और वाई एक्सिस के अलांग तो देखो ये तो एक्स के अलोंग है ये वाई एक्सिस के अलांग है इसको भी कंपोनेंट कर लो टी को तो एक कंपोनेंट आपका ये आएगा और एक आपका टी इधर आएगा तो ये थीटा होगा तो ये वाला कंपोनेंट हो गया टी थी कॉस ठीटा और ये वाला हो गया टी थी सैन ठीठा जैसा कि क्वेश्चन में गिवेन है कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम दैट मीन्स इन इक्विलिब्रियम डिक्लेब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है तो ये इसको बैलेंस कर लेगा तो डेसमन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी और टी सेंट थीटा इसको बैलेंस कर लेगा टी सेंट थीटा इज इक्वल टू एफ अब हमसे टी की वैल्यू पूछ रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग एबी और देखो चॉइस दे रखे हैं ना वो एक और उसके टर्म में दे रखी है तो इसीलिए सीधा-सीधा खत्म हो गया इसी वाले इक्वेशन से टी रावर एफ अपॉन साइन टीटा ऐसे आंसर इसलिए फर्स्ट चॉइस हो गई है आपकी इसकी सेकेंड चॉइस बी कंप्लीट थैंक यू पढ़ते रहिए और खुश रहिए